हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 है, पॉलिनोमियल बहुपद में। ठीक है, अब तक जितनी भी एक्सरसाइज करवा चुकी, सीक्वेंस प्लेलिस्ट में जाके देखो आप, है ना। वहाँ मैंने बाकी एक्सरसाइज भी करा रखी है। तो बच्चे की, आप लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, किसी एक वीडियो को देख के भाग जाते हो। आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, सीक्वेंस सारी सारी अलग अलग टॉपिक के, अलग अलग है ना, सेकंड के अलग, वन के अलग, ऐसा की बनी हुई है। ठीक है, और क्लास 12th भी चल रही है, तो क्लास 12th के भी अपने कोई भाई बहनों बड़े तो उनको बताओ आप, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मत करो, इसको शेयर नहीं करते आप बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग, है ना, पूर्ण वर्ग द्वारा इनके क्या निकालने हैं, इनके एक्स के मान निकालने हैं। पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6th की तरफ। अब कुछ बच्चों के लिए दिमाग में आ रहा होगा, सर 6th पहला कहाँ गया, फर्स्ट क्यों नहीं करवाया। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इधर उधर इधर गलत अरेंज किए हैं। पहले इजी क्वेश्चन लो, सबसे पहले ये क्वेश्चन लो, फिर इस टाइप का कराऊंगा, धीरे धीरे फर्स्ट पे भी आएंगे सारे कराऊंगा, टेंशन मत लो। अगले वीडियो मिल जाएंगे इसमें, नहीं तो है ना, नेक्स्ट प्ले अगला वीडियो दे मिल जाएगा इसमें, नहीं है मिलेंगे तो सारे कराऊंगा। लेकिन ईजी से हार्ड अलग अलग मेथड, सबसे पहले इस पे देखते हैं ना। तो 6th क्वेश्चन देखो, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। देखो क्या होता है, पूर्ण वर्ग है क्वेश्चन का नाम। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर वन बनाना है ना। फर्स्ट स्टेप क्या करनी है आपको, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है ना, गुणांक, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको वन करना है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ वन कैसे करें, सोचना है वन कैसे किया जाए। अब वन करने का एक ही तरीका है कि मैं इसको भाग दे दूं, यहाँ पर डिवाइड कर दूं, इसको 3 से डिवाइड कर दूं। 3 से डिवाइड करूंगा तभी तो 3 से 3 कैंसिल आउट होकर वन आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब अकेले को तो कर नहीं सकते कि सर, अकेले को तो कैसे कर सकते हो, कैसी बातें कर रहे हो। तो अकेले को नहीं कर सकते, इसका मतलब पूरे को तो कर सकते हैं ना, दोनों तरफ तो कर सकते हैं ना। तो इधर डिवाइड करो या ना करो, क्योंकि उधर डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड कर दो, है ना, तीनों को डिवाइड कर दो, किससे, 3 से। और इधर डिवाइड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वापस 0 आने वाला है। इसका मींस पूरे को अपन ने किससे डिवाइड कर दिया, 3 से। फर्स्ट स्टेप देखो ध्यान से, यहाँ पर जो भी हो, 2 हो तो 2 से डिवाइड कर दो सबको, 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, 4 5 6 कोई भी नंबर हो ना, उसको पूरे सबसे डिवाइड कर दो वन करने के लिए। समझ में आ गई। तो यहाँ इससे 3 से 3 कैंसिल होगी, यहाँ तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, 5/3x, और इधर क्या हो जाएगा, 2/3। फर्स्ट स्टेप समझ में आई, क्या करना है, यहाँ वन करना है। वन कैसे करना है, जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है उसी का भाग दे दो सब में। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे चलो, फर्स्ट स्टेप हो चुकी अपनी, सेकेंड स्टेप देखो। अब आपको क्या करना है, जो जिसके साथ एक्स नहीं है ना, जो अचर पद है ना कॉन्स्टेंट, उसको 0 के उस साइड ले जाओ। ठीक है, ले जाते हैं सर। अब इधर लेंगे तो इधर माइनस प्लस है, तो इधर आगे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, सेकेंड स्टेप। ठीक है, आगे चलो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना आपको एक्स का गुणांक, एक्स का कोफिशियंट। ठीक है, एक्स का कोफिशियंट क्या है यहाँ पर, एक्स, एक्स का कोफिशियंट मीन्स ये है 5/3। माइनस को लेना जरूरी नहीं है यहाँ पर, है ना, लो या ना लो, 5/3 कितना है, 5/3 है। इसका करना है हाफ। अब हाफ करने के लिए इससे 2 का भाग दो या 1/2 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। अगर सिर्फ 5 लिखा होता ना, सपोज सिर्फ 5 लिखा होता, 3 नहीं होता नीचे अपॉन में, है ना, अगर 3 लिखा हुआ तो सीधा सीधा 2 का भाग दे दो, ये हो गया हाफ। और ऐसे अपॉन की फॉर्म में कुछ लिखा हुआ ना, ज़्यादातर अपॉन में ही मिलेंगे आपको, है ना, तो उसको गुणा कर दो 1/2 से, एक ही बात है, डिवाइड करो या ऐसे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 × 2, ये हो जाएगा 6। कितना हो गया, 5/6। इसका कर दो स्क्वायर, क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो, इसका क्या कर दो, वर्ग। और इसको अब क्या करना आपको, जो आया उसको एक बार इधर ऐड कर दो, एक बार इधर ऐड करो, दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर एक साइड ऐड कर देंगे तो वो नाराज हो जाएगा, और इधर ऐड कर देंगे तो ये नाराज हो जाएगा, क्योंकि बराबर का मतलब होता है दोनों को बैलेंस रखना है, दोनों को इक्वल रखना है, दोनों के साथ बराबरी करानी है। तो बराबरी करने के लिए दोनों के साथ क्या करा मैंने, मैंने ऐड कर दिया वो आया जो उसका वर्ग, इधर भी ऐड कर दिया, और भाई साहब इसके साथ भी ऐड कर दिया, किसके साथ ऐड कर दिया, इसके साथ भी ऐड कर दिया। बात समझ में आ गई,
हाँ जी गुरु जी, ये कहाँ से आया 5/6? एक्स के गुणांक का हाफ किया और उसका वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक, आधा करके, ठीक है सर। आ गया, अब आगे देखो, अपन ने एक फॉर्मूला, अपने पास दो फॉर्मूले हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस वाला फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, दिलो दिमाग में छा जाने चाहिए, है ना। अब देखना है, अब इधर तो बनता है ये वाला फॉर्मूला, या तो ये बनेगा या ये बनेगा, अपने इसको देख के चूज करना है कि ये वाला बनेगा कि ये वाला, ठीक है। और इधर कैलकुलेशन करनी है, प्लस माइनस जोड़ना है। अब इधर ध्यान से देखो, इसको कंपेयर करें इधर वाली टर्म से, इधर वाली से टर्म करनी है, फिर ये आ जाएगी, ठीक है, इस वाली से कंपेयर करें इन दोनों में से, ठीक है। अगर मैं एक्स को ए मान लूँ, एक्स को ए मान लूँ, तो यहाँ ए स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है। अगर मैं इसको लिख सकता हूँ टू इसका मल्टीप्लाई और एक्स, मीन्स एक्स का मान क्या है, ए का मान क्या है, यहाँ ए लिख सकता हूँ, मीन्स है ना ए, या आप ऐसे देखो, ये ऐसे बन रहा है, ये बन रहा है, देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन रहा है ए स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर, ये हो रहा है यहाँ पर माइनस 2ab हो रहा है, ये कुल मिला के कहना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ माइनस है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर यहाँ प्लस है तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। अब आप कहोगे सर ये कहाँ बन रहा है, हमें बताओ कैसे बन रहा है, चलो ठीक है, ए को मान लो एक्स, ए को क्या मान लिया एक्स, ठीक है, टू एज इट इज, ए को क्या माना एक्स, तो एक्स, बी को क्या माना, बी इसको माना है, बी इसी को तो माना है, इसको लिख दो 5/6 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी किसको माना है 5/6 को, ए किसको माना एक्स को, बी किसको माना है 5/6 को, 5/6 को, ठीक है। अब देखो इसको काटो, 2 से 3 गया, कितना आया आत्मा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x को बाद में लिख देता हूँ, है ना, 2 तो कट ही गया, 2 + 6 5/3 आ गया, 5/3 आ गया, और यहाँ x और ये प्लस 5/6 होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, मैच कर रहा है, मींस ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं, तो समझ में आ रही है, यही तो समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको कि ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, a की वैल्यू है यहाँ पर x, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5/6, बात समझ में आएगी, a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है ये, तो इसमें रख दो, इससे ये लाना है, क्योंकि इस फॉर्म में अपने पास ये किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, तो उसको इधर वाली लिख के लिखेंगे, इस मीन्स इसमें लिखेंगे a माइनस बी की फॉर्म में, a क्या है x, माइनस b मीन्स 5/6 होल स्क्वायर, ठीक है, ये था समझाने के लिए। अब डायरेक्ट आपको क्या करना है, इसका माइनस ये, इसको ध्यान ही नहीं देखना, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो, और ये एज इट इज रख दो, यहाँ पर इक्वल इसमें सोल्व करना है इसको, 2/3, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब यहाँ क्या लघुतम एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना, यहाँ कर देता हूँ इधर, एक्स माइनस 5/6 का होल स्क्वायर तो इधर चल ही रहा है, इधर एलसीएम लिया, एलसीएम 36 ही आएगा, ठीक है, 36 ही एलसीएम आएगा, 36 एलसीएम देखो यहाँ लेके बता देता हूँ, ये 3 से डिवाइड किया 12 टाइम, 12 को इससे डिवाइड किया कितना आया 24, माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, प्लस बीच में 36 वन टाइम, 1 को मल्टीप्लाई किया 25 के साथ, तो यहाँ कितना आ गया माइनस 24 प्लस 25 कितना आएगा 1 ही आएगा, 25 माइनस 24 1 तो कितना आ जाएगा 1/36 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखो, अब इस साइड वर्ग बना हुआ है, स्क्वायर है अपने पास, तो इस साइड भी आपको कभी कभी तो वर्ग स्क्वायर बनेगा, कभी कभी नेगेटिव नंबर आएगा, कभी कभी ये स्क्वायर बनेगा, और कभी कभी अंडरूट वाली संख्या भी आ सकती है, अभी आगे आगे आता जाएगा। अब देखो इसको क्या लिख सकता है, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/6 का होल स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 का स्क्वायर 36 हो सकता है, तो हमेशा या तो इधर स्क्वायर आएगा स्क्वायर की फॉर्म में, ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है किसी का भी स्क्वायर, तो एक इसका स्क्वायर है 6 का, कभी कभी ना भी आता है, कभी कभी माइनस में भी आ जाता है, वो माइनस वाले केस में आगे बताऊंगा उसमें क्या करना है, ठीक है। तो यहां पर ये अपने पास आ गया 1/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब दोनों तरफ स्क्वायर आ जाते हैं तो उनको अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है,
इसी को तो बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, मीन दोनों तरफ क्या बन गए, परफेक्ट पूर्ण वर्ग बन गए, दोनों तरफ क्या बन गए, पूर्ण वर्ग, इसीलिए तो इसका नाम है ये। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको क्या करना है, स्क्वायर हट जाएगा, आपको लगाना है 5.6 और इधर इसको जब खोलोगे इसको एक बार तो प्लस एक बार माइनस में लिखना है, याद रखना, कभी 1/6 ही मत लिख देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्स के दो मान आएंगे यहाँ पर। दो क्यों आएंगे, क्योंकि कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक द्विघात, जिसकी घात दो होती है उसके दो मान आते हैं, इसलिए इसको प्लस माइनस लिखना हमेशा, कहीं 1/6 मत कर देना, याद रखना, ठीक है। अब एक बार तो प्लस वाला साइन ले लो एक्स के साथ और एक बार माइनस वाला ले लो, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है, x माइनस 5/6। एक बार तो मैं प्लस 1/6 ले रहा हूँ, मीन्स 1/6, इसको सोल्व करते हैं तो ये 1/6, ये 5/6 उधर जाएगा तो प्लस में आएगा 5/6, यहाँ पर अगर ये 6 एलसीएम लिया तो 6, 1+5 ऊपर बन जाएगा, मीन्स 6/6 कितना आ गया, 1 आ गया। तो x का मान क्या आ गया, एक तो 1 आ गया एक मान, दूसरा आएगा माइनस वाला लेने पर, एक बार क्या ले लो माइनस ले लो, माइनस 1/6, ठीक है, एक बार क्या ले लिया माइनस वाला ले लिया, माइनस 1/6, एक्स इक्वल टू माइनस 1/6, ये उधर जाके 5/6 प्लस का होगा, यहाँ पर 6 एलसीएम आएगा इधर 1 प्लस 5, तो ये कितना हो गया 5-1 4/6, ये कट के कितना हो जाएगा 2/3, किससे काटा है 2 से काटा है, कट गया 2 से कट गया। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब इधर इसमें मेरे को समझाने में इतना टाइम लग गया, जबकि आपकी प्रैक्टिस होगी ना, एक मिनट में सोल्व कर दोगे इस क्वेश्चन को, तो आराम से समझ में आ गया तो देखो लाइक कर दो अभी के भी वो घंटा, और जिसके नहीं आया एक बार वापस पीछे जाके वापस से देख लो एक बार, है ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी रहोगे खुद तब तक नहीं आएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, धीरे धीरे और आ जाएगा, पहले क्वेश्चन में नहीं आया अगले क्वेश्चन में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आराम से इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट जो भी आपको पेन कॉपी साथ में लेके बैठा करो एक, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम ऐसे करेंगे नेक्स्ट को भी, फोर्थ लिया है मैंने नेक्स्ट, ठीक है, कौन सा लिया है फोर्थ, धीरे धीरे सब क्वेश्चन पे आएंगे। अब ये यहाँ पर मैंने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, इसको वन बनाने के लिए यहाँ किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से, तो 4 से इसको भी भाग देना पड़ेगा, 4 का इसमें भाग देना पड़ेगा, बात समझ आई, फर्स्ट स्टेप यहाँ वन बनाने के लिए 4 है तो 4 से 4 का भाग दे दो, जो नंबर है उसका भाग दे दो, भाग देने पर यहाँ तो एक्स स्क्वायर ये तो कट गया इससे, ठीक है, आगे क्या है, देखो ये 4 से ये 4 भी गया, यहाँ 4 है ना गुणा में, वो गुणा में ये मल्टीप्लाई में होता है, याद रखना ये ऐसे लिखा हुआ था ये, ठीक है, 4√2, तो √3x और ये 3/4 एज इट इज, ठीक है। फिर बाद में इसको जो अचर पद है उसको उधर ले जाओ, −3/4, आगे क्या करना, अपने को x का गुणांक देखना, x का गुणांक क्या है √3, x का गुणांक क्या है, कोफिशियंट क्या है, मींस कोफिशियंट क्या है अपने पास √3, √3 का क्या करना है आधा करना है, इसका क्या करना है आधा करना है, तो डिवाइड कर दो 1/2 से या गुणा कर दो 1/2 से, खुद कुछ कहेंगे सर अभी तो 1/2 से गुणा किया था, अरे एक ही बात है, 2 का भाग दो 1/2 से गुणा करो, एक ही बात, ठीक है, तो कितना आ जाएगा √3/2, इसका क्या करना है वर्ग करना है, इसका वर्ग करना है, इसके वर्ग को एक बार इधर जोड़ना है एक बार इधर ऐड करना है, कर दो √x2 + √3x, √3 का √2 का वर्ग एक बार इधर जोड़ा और एक बार इधर जोड़ा, दोनों तरफ क्यों जोड़ा, क्योंकि दोनों को बराबर बैलेंस करने के लिए, ठीक है। आगे देखो ये किसका, अब ये देखो फॉर्मूला किसका बन रहा है, देखो ये हो रहा है a², ये हो रहा है +b² और ये बन जाएगा +2ab, आँख बंद करके बना दो ये यही बनेगा, है ना। अब a क्या है अपने पास ये क्या है ax प्लस कौन सा वाला फॉर्मूला बनेगा, अब की बार प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस वाला, और b की वैल्यू क्या है √3/2, आँख बंद करके मान लो कि b क्या है ये है, क्योंकि स्क्वायर देखो यहाँ देखो b कंपेयर कर लो, यहाँ कंपेयर कर लो ax और b √3/2 स्क्वायर, कैसे कंपेयर करना है देख के बता देना ये वैल्यू, ठीक है।
इधर देखो, इसको कैलकुलेशन करेंगे 3/4, अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 4 आएगा। अब देखो दोनों सेम है, ये माइनस का ये प्लस का, तो कट इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x प्लस अंडर रूट 3/2 होल स्क्वायर, इधर क्या आ गया, 0। अब देखो इधर ये क्या करना है, यहाँ से इसका क्या करना है, देखो अपने पास क्या है, x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आप कोई भारतीय ऐसे मत कर देना, इसके भी दो मान आएंगे, क्या आएंगे, इसके भी दो मान आएंगे, एक तो प्लस में एक नेगेटिव में, माइनस में, है ना, प्लस माइनस दोनों में लिखना है आपको, ठीक है। तो एक बार तो लिख दो x बराबर माइनस अंडर रूट 3/2, इसको बराबर 0 करके, और एक बार में कर दो आप x बराबर प्लस अंडर रूट 3/2, अगर ऐसे 0 बराबर में आ जाए तो। इसको क्या करना है, एक बार तो x बराबर ये माइनस में, एक बार प्लस में, ठीक है, ऐसा करना है आप लोगों को। बात समझ में आ गई, ठीक है, आगे चलते हैं। या दोनों प्लस में कर दो, दोनों किस में कर दो, माइनस में कर दो, किस में कर दो, दोनों ही माइनस में कर दो, किस में आएंगे, दोनों माइनस में आएंगे। कैसे आएंगे देखो, मैं बता देता हूँ आपको। देखो ये दो लिखा हुआ, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे, क्योंकि दो है ना, तो एक एक कर दिया, अलग 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 कर दिए ना, दोनों को जोड़ेंगे वापस वही आ जाएगा, अलग अलग कर दिए, एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, तो x प्लस अंडर रूट 3/2, इसको 0 के बराबर रखा तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3, और यहाँ से इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ से भी वैल्यू आ जाएगी माइनस अंडर रूट 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो या तो वैसे डायरेक्ट लिख सकते हो आप माइनस का, ठीक है, वो प्लस माइनस नहीं आएगा, सिर्फ माइनस आएगा थोड़ा, है ना। अब आगे देखो, अपन चलेंगे फोर्थ सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, दोनों समझ में आराम से, देखो आगे चलते हैं। क्वेश्चन अपना यह है सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो, फिर से वहीं वन बनाना है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा अपने को, 6/5 एक्स 2/5 इक्वल टू 0, ठीक है। आगे देखो, ये 5 से 5 कट गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 एक्स माइनस 2/5 बराबर 0। आगे क्या करना है, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर लेके आए तो 2/5 हो गया, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन अपने दिमाग में भी कर सकते हो आप, बाकी लिख दो x का गुणांक क्या है, अगर 6/5 है इसका गुणांक, है ना, ये वाला, इसका क्या करना, हाफ करना, हाफ मीन्स 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 6/5 × 2 = 10, कितना आ गया, 10 आ गया। तो इसका क्या करना है, वर्क कर दो और इसको जोड़ दो दोनों तरफ, तो x स्क्वायर माइनस 6/5 x प्लस ऐड कर दिया वन टाइम इधर, और इधर भी जोड़ दिया, प्लस 6/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो, यहाँ आग बंद करके कर दो, ये स्क्वायर, ये माइनस 2ab बन रहा है और ये बी स्क्वायर बन रहा है, a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 6/10 कर दो, कुछ नहीं देखना है आपको, इसको देखना ही नहीं है, बस यही b की वैल्यू है ब्रैकेट में। इधर कैलकुलेशन करेंगे 2/5 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 100, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, इधर तो आ गया अपने पास x माइनस 6/10 होल स्क्वायर, इधर एलसीएम लिया 100 एलसीएम आएगा, एलसीएम 100 लिया तो 5 से 100 को डिवाइड किया 20, 20 आएगा, है ना, यहाँ लेके देख लो आप, चलो मैं लिख देता हूँ 100, इसको डिवाइड किया 20, 20 को 2 से गुणा किया कितना आया 40, और इधर कितना आएगा 36, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या आ गया 6 और 76 आ गया ऊपर और नीचे 100 आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन तो अब इतनी बता दिया, एलसीएम लेना, लघुत्तम लेना तो आना चाहिए आपको। अब इधर देखो, अब मैंने क्या कहा था, कभी कभी तो यहाँ तो वर्ग स्क्वायर आ जाए, अब नीचे तो स्क्वायर आ रहा है किसका, 10 का, लेकिन ऊपर नहीं आ रहा,
तो अगर स्क्वायर बना सकते हैं जितना छोटा उतना तो बनाओ इसको। देखो यहाँ तो अपने पास 10 का स्क्वायर आ गया नीचे, तो ठीक है नीचे तो 10 का स्क्वायर आ गया, लेकिन ऊपर कुछ बन नहीं रहा। ऊपर कोशिश करो कैसे न कैसे इसको फैक्टर करने की, जितने स्क्वायर निकल सकते हैं उतने निकालो। मींस अगर मैं इसको 19 × 4 लिख सकता हूँ, है ना, 19 × 76 19 × 4 × 76 होता है। अब मैं इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि मैं 2 का इस 4 का स्क्वायर कर सकता हूँ। किसके फॉर्म में 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, इसलिए मैंने इसके टुकड़े किए। ठीक है, समझ में आ रही बात, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब आगे देखो, या आप ऐसे इतना अगर नहीं दिमाग लगाना ना आपको, तो आप इसको एज इट इज लिख दो, लिख सकते ऐसे कैसे, आप इसको लिख दो ऊपर तो अंडर रूट 76 लिख दो और नीचे 10 लिख दो, इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो। ठीक है, आपको बिना देखे जिसका इसको अंडर स्क्वायर वर्ग नहीं कर सकते उसके अंडर रूट लगा के वर्ग कर दो, क्योंकि इस 2 से अंडर रूट हट जाएगा, इसीलिए तो अंडर रूट लगाया। अंडर रूट क्यों लगाया, क्योंकि स्क्वायर जब वापस स्क्वायर खोलेंगे तो ये अंडर रूट है हट जाएगा, तो वापस 76 आएगा और नीचे कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, कोई प्रभाव नहीं पड़ा कैलकुलेशन पे, वही रहेगी। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग आगे, इसका मीन्स क्या कर सकते हैं, एक्स दोनों को वर्ग को हटा सकते हैं। अब हटाने पर एक बार तो प्लस में लिखेंगे, है ना, और एक बार माइनस में लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, अभी 76 अच्छा नहीं लगता, ऐसे नहीं लिख सकते इसको, जितना छोटा कर सकते हैं। मैंने कहा ना 19 × 4 में लिखना पड़ेगा, चाहे लास्ट में लिख लो या अभी लिख लो। अब इसको अपन किस में, चलो आगे वाली स्टेप में कर देंगे। अब एक बार प्लस वाली ले लो, प्लस वाली वैल्यू ली 76/10। ठीक है, तो इसको सोल्व किया तो कितना आएगा, अब 76 को देखो मैंने लिख रहा हूँ 19 × 4 लिख रहा हूँ, और इसको उधर लिया है तो मैं 6/10 हो जाएगा। ठीक है, 76 को मैंने क्या लिख दिया, 19 × 4 19 × 4 10, और इसको मैं उधर ले गया। अभी 4 का अंडर रूट है, तो 4 किसका वर्ग है, 2 का, किसका वर्ग है, 2 का। ये 2 का वर्ग है ना, तो ये तो बाहर निकल आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2√19/10 और प्लस 6/10। ये 2 कहाँ से आ गया, 2 आ गया इसका वर्ग करेंगे स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखेंगे, तो इस 2 से अंडर रूट हट जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये 4 का निकाल सकते हैं अपन बाहर। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर क्या ले लिया, 10 LCM ले लिया, 10 LCM दोनों सेम है तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, x इक्वल टू, अब देखो ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ तो अंडर रूट 19 और यहाँ 3 आएगा और नीचे क्या है 10 है। ये कहाँ से आया, 2 मैंने बाहर निकाला, इसके बाद 2 निकाला है तो 3 बचेगा, 2 × 3 = 6, तो 3 बचा यहाँ और ये एज इट इज। ठीक है, अभी 2 से कैंसिल आउट करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, तो x की एक वैल्यू तो क्या आ गई, है ना, इस 3 को आगे लिखो, है ना, सही वे ये है कि उस 3 को आगे लिखो, एक तो ये वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू आएगी ये माइनस वाली लेने पर, यहाँ प्लस माइनस दोनों लिया ना, अब दूसरी लेंगे माइनस वाली, है ना, जगह नहीं है, मैं इसको रफ करके आप लोग लिख सकते हो पॉज करके। मैं इधर लिख देता हूँ, माइनस एक्स माइनस 6/10, इधर क्या है अपने पास माइनस वाली ले रहे हैं, अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2 × 96 = 10। ये कहाँ से आया, 19 × 76, 4 को बाहर निकाल सकते हैं, अभी बताया तो मैंने अभी यही लिख दिया, ये आ गया 2 × 19/10, इसको इधर लाएंगे तो प्लस 6/10 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लिया 10 आ जाएगा, ये 2 × 19 और ये प्लस 6 एज इट इज रहेगा। ठीक है, x इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस 19 और इधर 3 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे 10 है ही, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे काट सकते हैं ऊपर नीचे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 − 19/10। ठीक है, तो ये 2 वैल्यूज आ गई, है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसमें करवा चुका, अगले क्वेश्चन में 1st, 2nd, 3rd ये कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया तो लाइक ज़रूर करके जाना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।